आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव के द्वारा मेहरौली में कोरोना टेस्ट बस लगाई गई, जिसमें लोग अपना कोरोना टेस्ट कराने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर दिल्ली सरकार चिंतित है। वहीं मेहरौली के विधायक नरेश यादव के द्वारा एक बस लगवाई गई, जिसमें डॉक्टरों की टीम ने लोगों का कोरोना टेस्ट किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मेहरौली इलाके की, जहाँ पर आप देखिए कोरोना टेस्ट कराने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आपको बता दें कि ये मेहरौली के विधायक नरेश यादव ने बताया है कि लगातार इस तरीके की टेस्टिंग जगह जगह पर उनके विधानसभा में कराई जाएगी। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर कोरोना टेस्ट कराने के लिए जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, और सभी का कोरोना टेस्ट जो है निःशुल्क किया जा रहा है। मेहरौली के टीबी अस्पताल के पास इस बस को लगाया गया, जिसमें लोग कोरोना टेस्ट कराने के लिए पहुँच रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं हम किस तरीके से, देखिए यहाँ पर लोग बारी बारी से अपना कोरोना टेस्ट कराने के लिए पहुँच रहे हैं। और लोगों ने भी इस कोरोना टेस्ट के बाद दिल्ली सरकार और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव का धन्यवाद भी किया है, क्योंकि लोगों को कोरोना के लिए टेस्ट कराना जरूरी था और फ्री में जब यहाँ टेस्ट हो रहा था तो उससे लोग बेहद खुश नज़र आए। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग कोरोना टेस्ट कराने के लिए पहुंच रहे हैं। जी आप यहाँ पे कोरोना टेस्ट करवाने हैं, फ्री कोरोना टेस्ट हो रहा है, कितनी सहूलियत मिलती है आपको? सहूलियत तो दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ पे कब से खड़े हो? हमारा 45 से 50 सीजन का। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर देवीराम जी। आज यहाँ पे फ्री कोरोना चेकअप चला जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कितनी सहूलियत होगी लोगों को यहाँ से? यहाँ से तो बहुत सहूलियत होगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड आता है और यहाँ पे सब फ्री टेस्ट हो रहा है सबका। तो यहाँ पे एक टाइम में हमें बहुत ज्यादा आदमी मिल जाते हैं, जिससे पूरा स्क्रीनिंग हो जाती है। तो अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है लोगों के अंदर कि कोरोना से कैसे बचा जाए? हाँ हाँ, वो साथ हम बता रहे हैं किस तरह से आप कोरोना से बचाव कर सकते हैं, घर में कैसे रहना है, कैसे रहना है, कैसे मास्क पहनने, पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम है हमारे पास, सबको बता देते हैं। लगभग रोज कितने टेस्ट हो जाते होंगे यहाँ पर? लगभग यहाँ 200 से ज्यादा टेस्ट होते ही है, लगभग ऑन एवरेज 200 से मान के चलो 200 से ज्यादा ही होते हैं वैसे तो, पर ये काफी अच्छी संख्या है। यहाँ पे निशुल्क कहा जा रहा है कि निशुल्क एकदम है? हाँ बिल्कुल फ्री टेस्ट है, बैनर सब कुछ लगा हुआ, हर जगह दिल्ली गवर्नमेंट ने रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है ये सर। कोई भी आ सकता है, कोई डॉक्टर की पर्ची की जरूरत नहीं है, किसी की चीज की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, जिसको भी साइन सिम्टम लगे, जिसको नहीं लग रहे साइन सिम्टम, सब कोई फ्री टेस्ट करा सकता है इसमें। तो लगभग कितनी देर में रिपोर्ट आ जाती है? रिपोर्ट में 15 से 20 मिनट लगते ही है हमेशा, तो ये 15-20 मिनट बाद में अगर नेगेटिव आती है हम नेगेटिव सर्टिफिकेट दे देते हैं साथ में। और अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो उसके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? पॉजिटिव आने के लिए हम डॉक्टर एग्जामिनेशन करते हैं, उसका पूरा हिस्ट्री लेते हैं, डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं सारी सारी। उसको अगर साइन सिम्टम बहुत ज्यादा सीवियर है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो उस पेशेंट को ऐसे पेशेंट को एम्बुलेंस बुला के हम बड़ी अस्पताल में भेज देते हैं। जिनको बिल्कुल सिम्टम नहीं है, माइल्ड सिम्टम है, उनको हम घर में बोल देते हैं घर में रहना है, 10-12 दिन की दवाई लिख देते हैं उसमें, और पूरा सब कुछ उसको बता देते हैं फैमिली में कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, जिससे कि दूसरों को बीमारी ना लगे। राज बहुत जी, यहाँ पे आज कोरोना टेस्ट हो रहा है निःशुल्क, कितनी सहूलियत मिलती है आप लोगों को? 100%